मिथुन चक्रवर्ती का इतना बड़ा गुस्सा शायद ही पहले कभी आपने रियल लाइफ में देखा होगा। फिल्मों में उनको तो हम सभी ने गुस्सा करते, प्यार करते, सब कुछ करते देखा, लेकिन रियल लाइफ में आग बबूला होना गुस्से से, पहली बार मिथुन चक्रवर्ती का यह रूप फैंस को भी, लोगों को भी हैरान कर देता है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और उसके मर्डर के बारे में आप सभी को मालूम पड़ गया होगा। इस घटना ने देश भर के लोगों को हिलाकर रख दिया था। लोगों में काफी गुस्सा भी है, देश भर के डॉक्टर्स इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी के साथ बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक कई ऐसे सेलेब्स और राजनेता भी हैं जो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार सेलेब्स की हो रही प्रतिक्रिया में मिथुन चक्रवर्ती भी अब सामने आ गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ बॉलीवुड के शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि एक बंगाली होने के नाते वो अपना सिर उठा नहीं पा रहे हैं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उन्होंने इस घटना पर तुरंत फैसला सुनाने की मांग की है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती ने एक वीडियो साझा कर उसमें अपने इस गुस्से का नमूना दिखाया है। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनका गुस्सा सातवें आसमान पर हम देख सकते हैं। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती का यह वीडियो बीजेपी के एक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। इसमें वो कहते हुए नजर आए कि पहले भी कई बार कह चुके हैं कि वेस्ट बंगाल में आने वाले दिनों में स्थिति और भी डरावनी होने वाली है। मिथुन चक्रवर्ती ये भी कहते हैं कि वो बंगाली होने के नाते सिर उठाकर नहीं चल सकते, वो पीड़िता के परिवार वालों के साथ खड़े हैं और अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ कोलकाता हत्याकांड को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने इस घटना पर चिंता जाहिर की है और डॉक्टर्स से अनुरोध किया है कि उनका सड़कों पर उतरना अच्छी बात नहीं है। उनका कहना है कि इसकी वजह से गरीबी और जरूरतमंद को नुकसान पहुंच सकता है जिनको उनकी देखभाल की जरूरत है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि सरकार और समाज को डॉक्टर्स की मांगों पर ध्यान रखना चाहिए। अंत में एक्टर और राजनेता ने डॉक्टर्स से सड़क पर प्रदर्शन से वापस लौटने के लिए भी अनुरोध किया है। मिथुन चक्रवर्ती और शत्रुघ्न सिन्हा ने कोलकाता रेप हत्याकांड मामले पर अपनी अपनी ये प्रतिक्रिया दी है। किसकी बातों में ज्यादा दम लग रहा है और क्या मिथुन चक्रवर्ती का कहना सही है या फिर शत्रुघ्न सिन्हा का, अपनी राय आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में।